नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनायक और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि जेटी एयरवेज के मामले में सारी अपडेट्स मैं आपको देते रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। आज हम बात करने जा रहे हैं जेटी एयरवेज और NCLT और डच कोट के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि डच कोट ने बैन कर दिया था जेटी एयरवेज को, क्योंकि कहीं ना कहीं से बाहर से कर्ज की जो बात निकल कर आ रही थी कि कहीं बाहरी कोई दो व्यक्ति हैं जिनके कि 240 या 250 करोड़ रुपए जेट एयरवेज के ऊपर बकाया है, जो कि जेट एयरवेज ने लिए थे उनसे उधारी के तौर पर और अभी तक नहीं लौटाए हैं। तो जो डच कोर्ट थी उसने सारे जो प्लेन्स थे उसको बैन कर दिया था और कहीं ना कहीं जेट एयरवेज के ऊपर का संकट और भी गहरा हो गया था इन सब चीज़ों की वजह से। तो अभी जो NCLT में उसने जो दायर करी थी डच कोर्ट ने अपनी अपील, तो NCLT पहले इस बात को मानने से इनकार कर रही थी दोस्तों, पर अभी NCLT ने डच कोर्ट की जो अपील है उसको स्वीकार कर ली है। तो आप क्या सोचते हैं, ये थी आज तक की न्यूज़, कमेंट करके बताइए। और अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और आपसे फिर मिलने की आशा करते हुए अभी के लिए विदा लेना चाहूँगा। तब तक के लिए ध्यान रखिए और अपने परिवार का और अपना। बाय।